गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 7.6। और एक्सरसाइज 7.6 का ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि 19 तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या दे रखा है। कहता है एक्स माइनस थ्री अप ए की पावर एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा काम ये रहेगा कि इसको थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर इसको लिखा जाए x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन, ठीक है, या x माइनस टू करके लिख दें, ठीक है, x माइनस वन और माइनस का टू अपान x माइनस वन का होल क्यूब। बताओ ये बात लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है। यहाँ पे i इक्वल टू x माइनस वन माइनस टू और x माइनस वन का होल क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ऐसे इसलिए लिखा जा सकता है कि हमको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे वन और टू ये कितना जगह, थ्री तो होगा। ठीक है, तो इसको अगर देख लिया जाए क्या बनाना पड़ेगा सिस्टम, i इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस वन एक ब्रैकेट में माइनस का टू, ठीक है, अपान अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दे x माइनस वन का होल क्यूब, इधर क्या बनेगा x माइनस थ्री का होल क्यूब। ठीक है, यही तो बात निकल के आएगी। ठीक है, बाहर ब्रैकेट में e की पावर x, यहाँ से देखें ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या निकल के आया है, i इक्वल टू बना वन अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू अपान x माइनस थ्री का होल क्यूब। बोलो यही तो बात आएगी। अब हमारा काम क्या है, देखो e की पावर x तो बाहर था, क्या ये फंक्शन हमारा इस टाइप से बनना है कि नहीं बनना है, कौन सा ये बन रहा है कि i इक्वल टू e की पावर f e की पावर x f x प्लस f डैश x, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फार्मूला था, ये बनता है एफ एक्स e की पावर x और एफ एक्स, ये बात बनती कि नहीं बनती है। तो मैं बात समझे, यहाँ से हमको एक बात पता चल रही है क्या कि ये चीज़ तो आ रही है, ठीक है, जब ये आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं चेक करके देख लेते हैं। देखें एफ एक्स यहाँ पर कितना है, एफ एक्स है वन अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, एफ डैज एक्स क्या है, एफ डैज एक्स इसका अगर निकाला जाए तो एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन का होल पावर माइनस टू, यही तो बात बनेगी भाई। यहाँ पे एफ डैज एक्स अगर देख लिया एक्स माइनस वन की होल पावर माइनस टू, अब देखें इसको ऐसे इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस का टू अपान, ठीक है, और माइनस वन घटेगा इससे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल पावर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का थ्री बनेगा। ठीक है भाई, यही तो बात लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है। तो अब देख लेते हैं सिचुएशन हमारे किस फॉर्म में आएगी। देखें ये हमारे पास बनेगा कितना, माइनस का टू अपान एक्स माइनस वन का पावर थ्री। भाई ये चीज़ निकल के आई कि नहीं आई है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ डैज एक्स बनेगा, मतलब इंटीग्रेशन होगा, तो e की आई इक्वल टू e की पावर एक्स, ठीक है, और इसके बाद में क्या बनेगा, आई इक्वल टू e की पावर एक्स, साथ में यहाँ पे बनेगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपान वन माइनस, मतलब एक्स माइनस वन का होल वर्ग, एक्स माइनस वन का होल वर्ग, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का सी। तो आपका आंसर ये निकल के आएगा कि ए की पावर एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल वर्ग, ठीक है, और प्लस सी, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यदि कोई डाउट हो रहा है उस डाउट को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, जिसे वो डाउट के लिए कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको मान लें, फर्स्ट फंक्शन अगर देख लिया जाए तो साइन इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और सेकेंड फंक्शन इसको मान लें, e की पावर 2x को सेकेंड फंक्शन मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें i इक्वल टू क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन को रोक देंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और y में कितना हो जाएगा, 2 होगा भाई, साइन एक्स साइन इसको रोक दिया और e की पावर 2x, e की पावर 2x बनेगा, ठीक है। और अपान में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, ठीक है, और बाई में कितना हो जाएगा, 2, 1 अपान 2। तो ये अपान का 1 अपान 2 ऐसे बाहर रख दें, कोई डाउट रहेगा। यहाँ से मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू साइन एक्स को हमने रोक दिया इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे हुआ कितना, ये हुआ कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे कॉस एक्स होगा और ई की पावर 2x का, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर 2x अपान में कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें क्या बनेगा, आई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वन है ये, आई वन मान लेते हैं तो कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x है, ठीक है। यहाँ देखें आई वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई वन इक्वल टू, ये आई वन इक्वल टू अगर बनेगा तो फर्स्ट फंक्शन किसको मान लें, इसमें वही काम कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो है कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लिया कॉस एक्स को और सेकेंड फंक्शन जो मान लिया e की पावर 2x को, भाई यही तो बात निकल के आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें i1 वन इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, i1 इक्वल टू देख दिया जाए, फर्स्ट फंक्शन को रोक देंगे, फर्स्ट फंक्शन कितना है यहाँ पे, ये दे रखा है कॉस एक्स को रोक देंगे और इंटू समाकलन करने करना पड़ेगा e की पावर 2x, तो e की पावर 2x बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 बाई 2, 2 ऐसे बाहर निकाल लें, माइनस समाकलन अगर देख लिया जाए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स और इंटू e की पावर 2x और साथ में इसका कितना बनेगा, यह बनेगा 1 बाई 2। तो देखो ये हमारे पास सिचुएशन किसकी आ रही है, ये सिचुएशन आ रही है इसकी आई की, ठीक है, इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, देखें ये हुआ आई वन इक्वल टू बनना है 1/2 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x, ठीक है, और प्लस ये बन रहा है कितना, 1/2 आई, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो i इक्वल टू हम लोग देखें, i इक्वल टू ये बनेगा साइन एक्स e की पावर 2x बाई 2, ठीक है, और माइनस का 1/4 कॉस एक्स इंटू e की पावर 2x, ठीक है। और यहाँ पे अगर देख लेते हैं ये हो जाएगा माइनस का 1/4 आई, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा कितना, 5i/4 इक्वल टू, यहाँ से अगर देख लिया जाए e की पावर 2x कॉमन ले लें और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 4 और इधर का प्लस का सी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल टू वैल्यू दे देगा e की पावर 2x बाई 5 और इधर हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का c। तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं फिर पुनः बता देते हैं सिचुएशन क्या बन रही है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आंसर जो निकल के आ रहा है बनना है i इक्वल टू e की पावर 2x बाई 5
ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी प्रकार से जो आगे के क्वेश्चन हैं वो भी इसी प्रकार से हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप से दे रखे हैं। ठीक है, और यदि उसमें कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पहुँचें, कमेंट करें, उस डाउट को कम्प्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस प्रकार के क्वेश्चन को जो 22, 23, 24 हैं, ठीक है, जो 22, 23, 24 हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोग कर लें, यदि कोई डाउट आता है उसमें भी आप कमेंट सेक्शन करें, हम बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।